उत्तरकाशी स्थित निर्माणाधीन सिलग्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों के बाहर निकलने का समय आखिरकार करीब आ रहा है। वैसे वैसे प्रशासन की तैयारियां तेज हैं। मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद होने के साथ साथ टेम्परेरी हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया है, जिससे जब तक ये सभी 41 लोग सुरंग से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। वहीं बाहर निकलने पर भी उन्हें जरूरत के अनुसार तुरंत प्राथमिक इलाज मुहैया कराया जा सके। इस बीच डीएम अभिषेक रोहेला घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल से आ रही इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अंधेरे में भी रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। उन 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए लोग अपनी नींद भूलकर लगातार लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि 41 लोग 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। वहीं सुरंग में फंसे सभी लोगों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जा रहा है। ऑडियो वीडियो माध्यम से उनसे बातचीत भी की गई और उनका हाल जाना गया। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं।